पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए, बीजेपी की हार नहीं है ये। माननीय मोदी जी अभी भी लोकप्रिय राष्ट्र के नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं। लोकप्रियता में उनकी कोई कमी नहीं आई है। माननीय अमित शाह जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। ये जो हार हुई है, ये खासकर जो जिलाध्यक्ष हैं वहाँ के, माननीय राजीव सिसोदिया जी, वो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पाते हैं, इसलिए कार्यकर्ता मायूस था। उन लोगों ने मेहनत तो करी, मगर जो दलित समाज खासकर है, वो दलित समाज की कोई समस्याओं को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और माननीय हमारे भूपेंद्र सिंह ने रात दिन मेहनत करी, काफ़ी संख्या में उन्होंने दलितों के साथ मीटिंगें करी, दलितों को जोड़ा, काफ़ी संख्या में मेहनत करी, जगह जगह लोगों के दुख दर्द में काम आए माननीय भूपेंद्र सिंह जी। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का जो वोट मिला है नूरपुर में, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह की वजह से मिला है और वहाँ के जो और कार्यकर्ता हैं उनकी वजह से मिला है। मगर जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और जो अपने को, मतलब लोगों को, दलितों का, उनको जोड़ना चाहिए था, दलितों के साथ जाना चाहिए था, वो दलितों की समस्या को बिल्कुल नागवार सुनते हैं। जो भी वहाँ हमें पता लगा कि दलितों की समस्याएं वहाँ नहीं सुनी जाती हैं, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दलितों के लिए बहुत योजनाएं निकाली हैं। तो ये हार बीजेपी की नहीं है, ये हार जो है सारी पार्टियां एक साथ मिलकर के वहाँ लड़ाई लड़ी, वहाँ सारी पार्टियां एक साथ हो गई, इसीलिए ये हार हुई है। और इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्नाटक में हमने 104 सीटें जीती, बाकी प्रदेशों में हमने, हमारी सरकार चल रही है 12 प्रदेशों में, लगभग हमारी निजी सरकार चल रही है, बाकी मिला जुला सब सरकार मिलकर चल रही है हमारी सभी जगह, ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में हमने सीट जीत ली है, जबकि वहाँ भी सब शिवसेना खिलाफ थी, वहाँ भी हमने जिस सीट जीती है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो मेन पार्टी के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हैं, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के चलें, क्योंकि 2019 तभी हम जीत पाएंगे जब कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा और कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके कार्य करें और दलित को, ओबीसी को, सभी लोगों के घर घर जा करके उनकी समस्याएं सुने और समस्याओं का निवारण करें, तभी हम ये सीट 2019 की सीटें हम जीत जाएंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, भले ही सारी पार्टियां एक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा बदलाव जिलाध्यक्षों को, महानगर अध्यक्ष को लाना पड़ेगा, पब्लिक की समस्याएं सुने, क्योंकि मंत्री और एमएलए हमेशा नहीं रहते हैं, हमेशा समस्याएं जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के पास ही जाती है, उनको समस्याओं को सुनना चाहिए। खासकर मैं दलित समाज से हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दलित समाज को भी समस्याएं सुने, उनको गले लगाएं। दलित समाज आना चाहता है बीजेपी में, मगर उनका सम्मान नहीं होता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।